कार बाजार जहाँ का वीडियो आप लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी बहुत पसंद करोगे। तो आज यहाँ पर बहुत सारा न्यू कलेक्शन दिखाऊंगा, कार की और बाइक की भी बहुत सारा कलेक्शन मिलेगा, तो बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो दोस्त नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए यहाँ के जो ओनर हुए उनका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ है आपके दर्शकों को मैंने वादा किया था कि जब नया वीडियो लेकर आएंगे तो एक से एक कलेक्शन और एक से एक रेट्स में गाड़ी लेके आएंगे, कार और बाइक दोनों। आज काफ़ी दिनों के बाद याद किया। जी जी जी, सारे न्यू कलेक्शन लेके आए जी, टोटल न्यू कलेक्शन है, कुछ भी पुराना नहीं है। बाइक स्कूटी और सब एवरीथिंग। सब्सक्राइबर को हाई कीजिएगा। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम एमडी मजहरुल है, शोरूम का नाम है न्यू कार बाजार। ये कहाँ पे पड़ती है? ये एड्रेस है हमारा अपोजिट महेंद्र सिंह धोनी फार्म हाउस, रिंग रोड, सिमलिया। बाकी जिनको दिक्कत होगी नंबर दिया रहेगा स्क्रीन पे, फेस करते रहेगा, कॉल करके आ सकते हैं ना। जी बिल्कुल। और सबसे कम प्राइस की कार कौन सी दिखाने वाले हैं आज? हम आपको सबसे कम प्राइस की गाड़ी जो दिखाने वाले हैं वो निसान का है, निसान का माइक्रा। निसान का माइक्रा, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जी दोस्तों, निसान की माइक्रा है। नंबर कहाँ की है जी? नंबर धनबाद नंबर गाड़ी है। और मॉडल कौन सी है? मॉडल 2018 का है। 2018 की देखिए, निसान माइक्रा। ओनरशिप फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर। चली क्या है गाड़ी? गाड़ी 29,000 किलोमीटर चली हुई है। ओरिजिनल है, मीटर टेम्परिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, बॉडी अनटच है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से। बॉडी पूरा अनटच है, वेरी कंडीशन, कोई खर्चा नहीं है किसी प्रकार का? किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। इंश्योरेंस मिल जाएगी? इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में मिल जाएगी दोस्तों। चलिए सर इंटीरियर देखते हैं। इंटीरियर बताइए क्या क्या मिल जाएगी? इंटीरियर में आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। आगे का दोनों पावर विंडो है, सेंटर लॉक अवेलेबल है। देख लो इस प्रकार से कंडीशन है, इंटीरियर का लाजवाब है, साफ सुथरी गाड़ी है क्या सर? जी। तो प्राइस सर इसका? प्राइस हम इसको, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो हम गारंटेड प्राइस में देंगे। मतलब 2018 का माइक्रा आप मार्केट में ढूंढ के दिखाइए जिस रेट में हम देने वाले हैं आपको। आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई कस्टमर आता है हमारे पास तो हम उसको 2,80,000 रुपये में दे देंगे। 2,80,000 मात्र, जिसमें 30% डाउन पेमेंट कीजिए और बाकी सब हम फंडिंग करवा देंगे। 70% लोन हो जाएगी? जी 70% लोन हो जाएगी। ये लोन का हम लोग लास्ट में बात करेंगे तो अच्छे से। जी, है ना जी। फिटनेस गाड़ी को चलते हैं। ओके, ये अगली कार कौन सी है? अगली कार हमारा जो है वैगन आर 2022 का मॉडल है। वैगन आर फैमिली वाली का? जी देख सकते हो वाइट कलर में, मक्खन जैसी बिल्कुल गाड़ी है। और मॉडल की बात करें तो मॉडल 2022 है, VXI पेट्रोल है ना? जी। और ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट ओनर है सर। और रनिंग क्या है सर? रनिंग 36,000 किलोमीटर चली हुई है। 36,000 समथिंग, जो ओरिजिनल मीटर टेम्परिंग, मीटर टेम्परिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, जो एक्सीडेंटल गाड़ी, एक्सीडेंटल नहीं है, अनटच बॉडी है, आप तो चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं, किसी तरह का कोई स्क्रैच तक नहीं है गाड़ी में। मॉडल कौन सी बोले सर? मॉडल 2022 की है। 22 की। रनिंग क्या बोले? रनिंग 36,000 किलोमीटर चली हुई है। 36,000 समथिंग चली हुई है। और इंटीरियर क्यों चलते हैं सर? क्या क्या मिल जाएगा इंटीरियर में? आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा, मिरर सेट करने के लिए मिल जाएगा, बाकी म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट है। देख लो इस प्रकार से इंटीरियर। पावर विंडो तो है ही गाड़ी में, दो एयर बैग मिल जाएगा। एसी यूसी सब चिल्ड है ना सर? एसी वगैरह सब सारा चिल्ड है सर। ये जो गाड़ी है रनिंग 36,000 किलोमीटर मात्र चली हुई है सर। मात्र 36,000 चली। जी सीट कवर जो है वो लेदर का सीट कवर मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास लेदर की सीट कवर लगी हुई। बाकी डैशबोर्ड देख लो, नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी गाड़ी है दोस्तों। सर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा जो रेट मैं आज देने वाला हूँ वो पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे ईस्ट जोन में कोई नहीं देगा इस रेट में। इस गाड़ी का रेट 2022 का वैगन आर सिंगल ओनर अनटच गाड़ी, मैं आपके चैनल से अगर कोई बंदा आता है हमारे पास लेने के लिए तो हम इस गाड़ी को 5,60,000 रुपये में दे देंगे। 5,60,000 में इसको ले जा सकते हो दोस्तों। और फाइनेंस भी हो जाएगी? फाइनेंस सारी गाड़ियों में फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। सारी गाड़ी में फाइनेंस फैसिलिटी है, ऑल ओवर झारखंड में है ना? पूरे इंडिया में कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया में ना? इंडिया में कहीं का भी कस्टमर हो फाइनेंस हो जाएगा। कहीं भी इंडिया के हो दोस्तों फाइनेंस हो जाएगी, आप लोग उसका टेंशन नहीं लेना है।
चलिए सर, फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं हम लोग जी। कौन सी कार हो जाएगी सर? नेक्स्ट कार जो हमारा है वो हुंडई का ग्रैंड आई10 स्पोर्ट है। ग्रैंड आई10 स्पोर्ट काफी डिमांड में रहती है, काफी डिमांडेबल गाड़ी है और छोटी फैमिली के लिए एक नंबर, एक नंबर गाड़ी है। रांची रजिस्ट्रेशन है ना? जी रांची रजिस्ट्रेशन है। मॉडल कौन सी है सर? मॉडल 2018 की गाड़ी है सर। ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट। और किलोमीटर क्या चली हुई? किलोमीटर 66,000 ओरिजिनल चली हुई है। 66,000 चली हुई है जो कि ओरिजिनल चली हुई है। बाकी देख लो इस प्रकार से कंडीशन है, फोग लैंप वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। गाड़ी में कोई खर्चा सर? किसी प्रकार का कोई गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है, कोई किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। गाड़ी जिस तरह से आप देख रहे हैं उसी तरह से गाड़ी है, मतलब गाड़ी अनटच है, किसी प्रकार का कोई डेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। आप गाड़ी ऐसा फील होगा अगर आप लेके जाइएगा कि हम नया गाड़ी लेके जा रहे हैं। कोई अगर अपना मिस्त्री वगैरह लाके जी, बिल्कुल बिल्कुल उसको तो हम अपने सारे दर्शकों को बोलते हैं कि आप सेटिस्फिक्शन होने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए आप अपना मिस्त्री साथ में लेके आइए और उसके बाद गाड़ी लेके जाइए, सेटिस्फाइड हो जाइए तभी यहां से गाड़ी जी। चलिए सर, इसका इंटीरियर की ओर चलते हैं सर। इंटीरियर में, इंटीरियर में आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा। किलोमीटर कितना? किलोमीटर 63,226 किलोमीटर चली हुई है। 63,026 किलोमीटर चली है जो कि ओरिजिनल चली हुई है। और देख लो इस प्रकार से कंडीशन है, लेदर की फर्स्ट क्लास सीट कवर है, बाकी मिरर कंट्रोल वगैरह सारा कुछ है जी। स्टीयरिंग कंट्रोल भी है? स्टीयरिंग कंट्रोल भी है, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट है, एसी चिल्ड है। इंश्योरेंस मिल जाएगी सर इसमें? इंश्योरेंस हर एक गाड़ी में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा, हर गाड़ी में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे ये देखो बैक प्रोफाइल गाड़ी की, ग्रैंड आई10 स्पोर्ट है क्या सर? जी। टायर की कंडीशन देख सकते हो सर? टायर नहीं हुआ सर अभी, चलेगी ना? हाँ अभी चलेगी। टायर में कोई सर? ये 2018 की ग्रैंड आई10 स्पोर्ट है, ग्रैंड आई10 स्पोर्ट 2000 पेट्रोल इंजन, फर्स्ट ओनर है जी। फर्स्ट ओनर 63,000 समथिंग चली हुई थी जी। और अब आते हैं इसका आस्किंग प्राइस क्या रखे हुए सर? इस गाड़ी का हम आस्किंग प्राइस रखे हैं 3,80,000 रुपये। 3,80,000 रुपये? 3,80,000 जी। थोड़ा बहुत और मेरे चैनल के थ्रू अगर आते हैं तो मान सम्मान, बिल्कुल बिल्कुल नेगोशिएशन ऑन द टेबल। आपके दर्शक कोई भी हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि आपका चैनल देख के आए हैं, तो हम उसमें कुछ ना कुछ नेगोशिएशन कर देंगे। सब्सक्राइब करके आएंगे तभी जी। सब्सक्राइब जरूर देखिएगा जी। विदाउट स्क्रीनशॉट वी कांट एक्सेप्ट। देखो दोस्तों सर ने बोला है स्क्रीनशॉट आप लोग सब्सक्राइब करके आओगे, दिखाओगे सर को तो ही डिस्काउंट मिलेगी जी, बिल्कुल। चलिए सर फिर नेक्स्ट कार, अगली कार कौन सी होने वाली है सर? अगली कार जो हम दे रहे हैं वो कमर्शियल कार है, कमर्शियल कार जो ओला उबर में चलने वाली कार है, क्योंकि आपको भी पता है और हम मतलब आपको पहले भी बताए हैं कि जो भी गाड़ी हम बेचते हैं उसमें 50% कमर्शियल गाड़ियाँ होती है, 50% प्राइवेट गाड़ियाँ होती है, जो कि ओला उबर में चलने वाली गाड़ियाँ होती है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये डिजायर है, डिजायर टूर एस 2019 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर में गाड़ी है। चला क्या है गाड़ी? चला 1,15,000 किलोमीटर है। 1,00,000 जी। डीजल है ना? जी डीजल इंजन, दिक्कत नहीं है। डीजल इंजन है और ये जो भी गाड़ी लेंगे हम उसको उसके नाम से गाड़ी ओला में अटैच करके देंगे, मतलब कमाऊ गाड़ी जी, कमाने वाला गाड़ी। भाइयों को कमाऊ गाड़ी चाहिए, यहाँ आइए, न्यू कार बाजार में मिल जाएगी जी। तो चलिए सर इंटीरियर दिखाइए क्या क्या मिल जाएगी सर? क्या क्या मिलेगी इंटीरियर में? आपको सेंट्रल लॉक मिल जाएगा, आगे का दो पावर विंडो मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, एयरबैग अवेलेबल है, किसी तरह का कोई खर्च नहीं है। हल्का फुल्का जो टचअप है वो टचअप अगर कस्टमर बोलते हैं कि सर मेरे को कंप्लीट करा के दीजिए तो मैं करा के देता हूँ, ठीक है, वो कस्टमर सेटिस्फाइड हो इसलिए हम लोग पहले कैसे करा के नहीं रखते हैं। जब वो बोल देता है कि भैया आप मेरे को करा के दीजिए तभी हम कराते हैं। जो भी कमी बेसी लगेगी हाँ तो सर को बोलिए वो करवा देंगे जी, करवा देंगे, उसके लिए अलग से कोई चार्जेस नहीं हम लेते हैं। बैक प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से है। सर इस डिजायर की आस्किंग प्राइस क्या रखे हुए हैं? इस डिजायर का आस्किंग प्राइस है 4,80,000 रुपये। 4,80,000 विथ नेगोशिएबल। कार कौन सी है सर? अब अगली कार जो हम लेके आए हैं ये एकमात्र कार ऐसी बची हुई है जो ओला फ्लीट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। ओला की खुद की गाड़ी है ये, ओला में चली हुई है ये। जी ओला की ही रजिस्टर्ड गाड़ी है, जो लेंगे फर्स्ट ओनर होंगे जी, जो लेंगे वो फर्स्ट ओनर होंगे, मतलब ओला की रजिस्टर्ड गाड़ी है। जो एक गाड़ी बची हुई है मॉडल 2018 की गाड़ी है, जून 2018 की जी। किलोमीटर लगभग क्या चली है सर? किलोमीटर 88,000 किलोमीटर चली हुई है, समथिंग चली हुई है।
काफी डिमांड में रहती है, जिनके भाइयों को भाड़ा पर्पस से चलाना है ओला उबर में, तो ये सर करके देंगे है ना? जी ओला उबर दोनों में अटैच करके देंगे। अटैच करके देंगे। चलिए सर इंटीरियर पे चलते हैं हम लोग, बताइए सर क्या क्या इसमें मिल जाएगा इंटीरियर? इसमें ये गाड़ी जो होती है सर बेस मॉडल की गाड़ी होती है, ठीक है, इसमें एसी मिलेगी? एसी मिल जाएगी, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगी, और जो भी गाड़ी रनिंग हुई है ओरिजिनल रनिंग हुई है, और जो सीट कवर जो है वो लेदर का सीट कवर मिल जाएगा। सर इसका आस्किंग प्राइस क्या रखे हुए हैं? इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस है 2,80,000 रुपये। 2,80,000 जी जी, नेगोशिएशन ऑन द टेबल जरूर है, आप आइए गाड़ी देखिए ड्राइव टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके बाद हम लोग बैठ के ऑन द टेबल नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएशन हर गाड़ी में हम करेंगे। हर गाड़ी में नेगोशिएशन हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट कार को चलते हैं सर, कार के बारे में बताइए। ये जो गाड़ी है ये 2017 का टाटा जेस्ट एक्सी है, बहुत डिमांडेबल गाड़ी है, माइलेज में दमदार है, 25 का माइलेज है, 25-26 का माइलेज है, तो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं इस गाड़ी को। मॉडल 2017 की गाड़ी है, ओनरशिप हर एक गाड़ी फर्स्ट मिलेगा आपको। ये चला हुआ 44,000 किलोमीटर है। जी पेंट ओरिजिनल है, जो भी है हल्का फुल्का जो टचअप करवाना है वो टचअप हम करवा के देंगे। इसमें आपको आगे का दो पावर विंडो है, सेंट्रल लॉक है, और म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। देख लो इस प्रकार से कंडीशन मिल जाएगी, साफ सुथरी गाड़ी है। बताइए सर इस टाटा जेस्ट का आस्किंग प्राइस क्या रखे हुए? टाटा जेस्ट का हम प्राइस रखे हुए हैं 3,70,000 रुपये। 3,70,000 थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगा। जी बिल्कुल, हर एक गाड़ी में अगर आपका कोई सब्सक्राइबर आता है जो हमको स्क्रीनशॉट दिखाता है कि भैया हम अनिल शर्मा जी के मिश्रा जी के चैनल से आए हुए हैं, तो उसमें हम नेगोशिएट कर देंगे। कार की कलेक्शन इतनी है सर जी, हम लोग बाइक और स्कूटी दिखाते हैं व्यूअर लोग को। जी बताइए सर, बाइक में आते हैं हम लोग। जी बाइक तो हमारे पास आज जबरदस्त कलेक्शन है देख लीजिए दोस्तों, पूरा भरा हुआ है। माइलेज वाली बाइक, स्पोर्ट बाइक भी मिल जाएगी है ना? हर एक तरह का बाइक मेरे पास अवेलेबल है। बाइक यहाँ पर मिल जाएगी, स्कूटी भी मिल जाएगी। स्कूटी भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आज अपाची से शुरू करते हैं ना? जी अपाची से शुरू करते हैं आज। बताइए जा इसका डिटेल सर। ये जो अपाची है ये 2017 की गाड़ी है। 2017 की है, ऑनर सीरियल फर्स्ट है। देख लो 2017 की अपाची फर्स्ट ओनर है। और किलोमीटर क्या है सर? किलोमीटर 30,000 चली हुई है। 30,000 समथिंग चली हुई है। बाकी देख लो डिस्क ब्रेक वगैरह है इसमें, डबल डिस्क है सर। जी डबल डिस्क मिल जाएगी। बाकी टायर देख लो एकदम न्यू टायर मिल जाएगी आप लोगों को, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है सर। जो बताइए सर आस्किंग प्राइस अपाची का क्या रखें? इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस हम 65,000 रुपये रखें। 65,000 जी, कम बेसी होगा इसमें, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा। जी जी इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस वगैरह सारा एवरीथिंग पेपर वैलिड मिलेगा, सब वैलिड है। जी वैलिड मिलेगा, अगर नहीं भी होगा तो हम करा के देंगे। जी नेक्स्ट गाड़ी है 2019 का TVS अपाची 160 4V। जी लाल परी, लाल परी देख सकते हो। ये मॉडल कौन सी बोले सर? मॉडल 2019 की है, ओनरशिप फर्स्ट ओनर। और रनिंग क्या है गाड़ी की? रनिंग 29,000 किलोमीटर चली हुई है। 29,000 समथिंग चली है। देख लो इस प्रकार से कंडीशन है, क्या क्या मिलेगी? ABS वगैरह सारा कुछ है इसमें? जी देख लो ABS वगैरह सारा मिल जाएगा। डबल डिस्क है सर? सिंगल डिस्क मिल जाएगी दोस्तों। क्या चला है सर गाड़ी में? ये गाड़ी 29,000 किलोमीटर चली हुई है। ओरिजिनल है सर? ओरिजिनल किलोमीटर, किसी भी गाड़ी में मीटर टेम्परिंग का काम हमारे पास नहीं होता। कितना में छोड़िएगा इसको? इस गाड़ी को हम छोड़ देंगे 80,000 रुपये में। 80,000 में जी, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन ऑन द टेबल हो जाएगा। जी चलिए नेक्स्ट कार, नेक्स्ट बाइक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जावा पे। जावा जी की डिमांडेबल गाड़ी है। ये तो यूथ की डिमांडेबल, सबसे डिमांडेबल गाड़ी है। डिमांडेबल गाड़ी है। और मॉडल की बात करें तो मॉडल 2021 की गाड़ी है। बिल्कुल न्यू है सर, चली हुई भी लगता है, बहुत कम चली है। 1300 किलोमीटर चली हुई है। 1391 किलोमीटर चली हुई है। 1391 किलोमीटर चली हुई है। बाकी देख लो टायर ओवर बिल्कुल न्यू मिल जाएगी आप लोगों को। इसमें ABS है सर? ABS वगैरह सारा चीज मिलेगा इसमें। ABS वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी देख लो इस प्रकार से कंडीशन है, लाजवाब बिल्कुल शोरूम से निकला हुआ गाड़ी है ये। क्या जी
बताइए जवाब कितना में छोड़िएगा? इस गाड़ी को हम 1,35,000 में छोड़ देंगे। 1,35,000 में जी, उसमें भी बनेगा, फाइनल रेट है। इस गाड़ी में, इस गाड़ी के लिए हम स्पेशल ऑफर ये देंगे, पूरा फुल टंकी करके आपको देंगे दोस्तों। जो फुल टंकी मिलेगा इसमें तेल, क्या नेगोशिएशन कुछ भी नहीं, फुल टंकी तेल मिलेगा, फुल टंकी तेल मिलेगा, सर का कमिटमेंट है जी। तो चलिए सर फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं। ओके, स्कूटी को चलते हैं। ये मेस्ट्रो है 2017 की, 2017 की मेस्ट्रो है जी, हीरो का गाड़ी है। हीरो आप जानते ही है कि सबसे लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं हीरो की गाड़ी को, क्योंकि माइलेज माइलेज अच्छा होता है, इस वजह से। किलोमीटर क्या चली? किलोमीटर चली हुई है ये 28,000 किलोमीटर जी। देख लो इस प्रकार से कंडीशन, टायर वर देख सकते हो। ओनर सब फर्स्ट ही है ना? सारा ओनर फर्स्ट मिलेगा आपको, सब फर्स्ट ओनर, सब फर्स्ट ओनर। इंश्योरेंस नहीं होगा तो करवा के देंगे। बताइए कितना में छोड़िएगा इस गाड़ी को? हम छोड़ देंगे 35,000 रुपये में। 35,000 मात्र, 35,000 मात्र, 35,000 दोस्तों। सबसे सबसे स्कूटी में सबसे लो बजट का हमारे पास गाड़ी यही है। लो बजट की स्कूटी मिल जा रही है दोस्तों, आइए आप लोग, न्यू कार बाजार में लगी हुई है ये जी। चलिए सर फिर चलते हैं। अब आते हैं दूसरी गाड़ी पे, ये भी हीरो का गाड़ी है। ये कौन सी हो जाएगी सर? हीरो का डेस्टिनी 125। डेस्टिनी 125 जी, डेस्टिनी 125 है। मॉडल की बात करें 2019 की गाड़ी है। ओनरशिप फर्स्ट है? ओनरशिप फर्स्ट मिलेगा। क्या चला है? ये चला हुआ है 36,000 किलोमीटर। 36,000 चली हुई जी। देख लो इस प्रकार से कंडीशन है, 36,000 चली हुई है। कितना में छोड़िएगा इस गाड़ी को? हम छोड़ देंगे 46,000 रुपये में। 46,000 जी। चलिए फिनिश गाड़ी को चलते हैं। ये माइलेज वाली बाइक सर, अब आते हैं माइलेज वाली बाइक में। हमारे पास हमारे पास हर तरह, हर सेगमेंट की गाड़ियां हैं बाइक में, हर सेगमेंट की गाड़ी। आप माइलेज के चाहिए, स्पोर्ट चाहिए, स्कूटी चाहिए, हर तरह का बाइक मिलेगा आपको। अब आते हैं माइलेज वाली बाइक में। माइलेज वाली बाइक है हमारा नेक्स्ट जो है वो सुपर स्प्लेंडर है। 2017 की गाड़ी है सर। 2017 जी, 13,000 किलोमीटर चली हुई है, मात्र 13,000 किलोमीटर चली हुई है। आप चेक कर सकते हैं गाड़ी गाड़ी थोड़ा वो जो कंडीशन में है, थोड़ा बहुत स्क्रैचेज है, वो स्क्रैचेज अगर कस्टमर बोलेगा तो मैं क्लियर करवा के दूंगा। आस्किंग प्राइस 55,000 रुपये, मात्र 55,000 रुपये। 55,000 है दोस्तों, आइए जल्द से जल्द आप लोग बाइक पे चलते हैं। नेक्स्ट बाइक हीरो का ग्लैमर है 125। न्यू वाली ग्लैमर है ना जी? न्यू वाली ग्लैमर है। मॉडल 2022 की है जी, ये भी फर्स्ट ओनर। किलोमीटर क्या चली है सर? किलोमीटर 14,000 किलोमीटर चली हुई है। 14,000 समथिंग चली है। इसमें 6 गियर है सर जी? 6 गियर है। 6 गियर है, मिल जाएगी। बाकी एबीएस भी है क्या इसमें? एबीएस है इसमें ना? नहीं एबीएस नहीं है। डिस्क ब्रेक मिल जाएगी फ्रंट में, डबल है, सिंगल डिस्क मिल जाएगी दोस्तों। कलर भी काफी खूबसूरत है सर जी, ब्लैक में काफी खूबसूरत कलर है। खूबसूरत कलर, टायर बिल्कुल ही न्यू एकदम टायर। बताइए सर इस ग्लैमर का आस्किंग प्राइस क्या रखेंगे? मात्र 60,000 रुपए। मात्र 60,000? मात्र 60,000 रुपए। न्यू ग्लैमर का मात्र 60,000 जी? न्यू ग्लैमर का मात्र 60,000 रुपए। एक साल की गाड़ी, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है, एवरीथिंग एक्सीडेंटल वगैरह कुछ नहीं है। बैटरी का इशू था, बैटरी हमने नया लगा दिया है, वारंटी के साथ बैटरी मिलेगा, कोई खर्चा नहीं है। चलिए सर फिर नेक्स्ट गाड़ी को चलते हैं। नेक्स्ट गाड़ी भी हमारा ग्लैमर है। ग्लैमर है, ये मॉडल कौन सी है? 2019 की गाड़ी है। फर्स्ट ओनर है सर जी? फर्स्ट ओनर है। क्या चला है सर ये? ये 26,000 किलोमीटर चली हुई है। 26,000 समथिंग चला। देखो ये भी ब्लैक कलर की है, ब्लैक ब्यूटी इसको बोलते हैं जी। बताइए सर कितना में छोड़िएगा इस गाड़ी को? हम छोड़ देंगे 60,000 में। 60,000 में इस ग्लैमर को ले जा सकते हो? इसमें भी नेगोशिएशन ऑन द टेबल है। इसमें भी नेगोशिएबल है सर ने जैसे बताया, ऑन द टेबल आओगे तो नेगोशिएबल मिडिल क्लास फैमिली का सबसे डिमांडेबल गाड़ी, सबसे डिमांडेबल, सबसे ज्यादा माइलेज वाली, माइलेज वाली गाड़ी हीरो की स्प्लेंडर प्लस। स्प्लेंडर देखो मॉडल की बात करें सर, 2019 की गाड़ी है। फर्स्ट ओनर है सर जी? फर्स्ट ओनर। क्या चला है सर? ये चला हुआ है 4600 किलोमीटर। 4600 मात्र? 4600 मात्र। 4600 किलोमीटर चली हुई, मात्र 4600 चला हुआ। देखो इस प्रकार से इस गाड़ी को हम 60,000 में छोड़ देंगे। 60,000 जी, थोड़ा बहुत हो जाएगा। ये भी स्प्लेंडर है सर? ये भी स्प्लेंडर प्लस है।
स्टैंडर्ड प्लस है, और ये मॉडल कौन सी है? ये मॉडल 2022 की गाड़ी है। नंबर ये हजारीबाग नंबर है। हजारीबाग नंबर मिल जाएगी। टायर आगे का तो सर थोड़ा सही है, नया है, चलेगा सर अभी। अगर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर अगर एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नया ट्रायल देंगे। कोई चार्जेस नहीं है सर। बताइए सर क्या चला है गाड़ी? ये गाड़ी चला हुआ है 12,000 किलोमीटर। 12,000 मात्र 12,000 किलोमीटर। 12,000 चली है दोस्तों, काफी कम चली हुई बाइक यहाँ पे मिल रही है। आप बताइए सर कितना में छोड़िएगा स्प्लेंडर? इस गाड़ी को हम 63,000 में छोड़ देंगे। 63,000 मात्र 63,000। ये भी यूथ की डिमांडेबल बाइक है क्या सर? जी पल्सर 220 सर। पल्सर 125 है जी। बाकी टायर देख लीजिए सर। ये मॉडल 2021 की गाड़ी है। 2021 की गाड़ी है। क्या चला है सर? 25,000 किलोमीटर चला हुआ है। 25,000 समथिंग चला है। कोई खर्चा सर? कोई अभी तक तो कोई खर्चा नहीं है। नंबर प्लेट लगा हुआ है, नंबर प्लेट जिस दिन गाड़ी डिलीवर होगा उस दिन लगा के देंगे, पंचिंग वाला नंबर प्लेट। इसको हम छोड़ देंगे मात्र 56,000 रुपये में। मात्र 56,000 जी। ये भी पल्सर है। ये पल्सर 2021 की गाड़ी है। 2021 जी। फर्स्ट ओनर क्या चला है? फर्स्ट ओनर है, 30,000 किलोमीटर चली हुई है। 30,000 समथिंग चला है। बाकी देख लो कंडीशन इस प्रकार से, बाकी देख सकते हो डिस्क ब्रेक मिल जाएगी आप लोगों को, टायर की कंडीशन देख लो, वेल कंडीशन में अभी मिल जाएगी। बताइए सर इस पल्सर कितना में छोड़ रहे हैं? 60,000 रुपये में, मात्र 60,000 रुपये। 60,000 और थोड़ा बहुत इसमें भी नेगोशिएशन हो जाएगा जी, बिल्कुल। ये गाड़ी जो है वो यूथ का अगर बजाज में जाएं तो सबसे डिमांडेबल गाड़ी है। और आज से नहीं, ये बजाज में ये राज कर रहा है पिछले 2015 से। इस गाड़ी को हम छोड़ देंगे मात्र 80,000 रुपये में। मात्र 80,000 रुपये में जी, बिल्कुल हो जाएगी। ये पल्सर एन 160 है जी। देख लो पल्सर एन 160 है। बाकी देखो डिस्क ब्रेक मिल जाएगी इसमें। मॉडल कौन सी बोले सर? मॉडल 2023 की गाड़ी है। एकदम बिल्कुल न्यू है सर जी। ये 2023 की गाड़ी है, बिल्कुल 2023 की है दोस्तों। देख लो और चला कितना है सर? चला है मात्र 2600 किलोमीटर। 2600 किलोमीटर मात्र 2600 किलोमीटर चला है, कुछ नहीं चला हुआ है। कितना में छोड़िएगा सर इसको? इस गाड़ी को हम छोड़ देंगे 120,000 रुपये में। 120,000 जी। थोड़ा बहुत मान सम्मान होगा सर, इस गाड़ी में नहीं हो पाएगा। इसमें नहीं हो पाएगा। हाँ ये हो सकता है कि हम टंकी फुल करके देंगे, इस गाड़ी में नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा। नेगोशिएशन नहीं होगा तो टंकी फुल कर इसमें होगा सर जी, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा। 40,000 में इसको ले जा सकते हो, उसमें भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल बैठोगे तो हो जाएगा। ये भी कोई है सर जी, बजाज की डिस्कवर ये भी है। और ये भी फर्स्ट ओनर है जी। ये भी फर्स्ट ओनर है, 2018 की गाड़ी है। क्या चला है ये? ये हम ये चला हुआ है 45,000 किलोमीटर। 45,000 समथिंग चला है। देख लो टायर वगैरह इस प्रकार से मिल जाएगी, ये चेंज करके दीजिएगा ना। मान लीजिए टायर नंबर प्लेट ये सारी चीज़ें चेंज करके देंगे ना। इसको हम छोड़ देंगे मात्र 35,000 में। मात्र 35,000 में। ये भी सिटी 100 है। मॉडल की बात करें 2019 की गाड़ी है। फर्स्ट ओनर है जी। फर्स्ट ओनर है। क्या चला है? लगभग 63,000 चली हुई है। 63,000 समथिंग चली है। बाकी देख लो टायर वर्क की कंडीशन देख सकते हो, साइड प्रोफाइल देख लो। बताइए सर कितना में छोड़ रहे हैं इस बजाज सिटी 100 को? इस गाड़ी को हम मात्र छोड़ देंगे 25,000 में। मात्र 25,000। तो आज के लिए फिलहाल जो भी इतनी कलेक्शन था सर, हमारे पास जो भी कलेक्शन था आज तो इतना ही था, लेकिन हम और भी कलेक्शन लेके आ रहे हैं जो इससे भी ज़बरदस्त कलेक्शन होगा बाइक कार दोनों में। तो न्यू अपडेट हम लोग करेंगे, न्यू अपडेट बहुत जल्द करेंगे। और कैसा रिस्पॉन्स मिलता सर? वीडियो हम लोग इतना मेहनत से बनाते हैं तो रिस्पॉन्स बताइए सर, मेरे वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? सच माने तो हमारा जो बिजनेस में बिजनेस जो ग्रो हो रहा है उसको आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में आपका चैनल का काफ़ी योगदान है हमारा, ठीक है। और
तो अब वीडियो बनाने के बाद कस्टमर इतना कॉल करते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। गाड़ी निकलती है सर, गाड़ी अच्छा खासा गाड़ी निकलती है, हम लोग वीडियो बनाते हैं सर जी। और सर थोड़ा सा मेरे व्यूअर लोग को आप फाइनेंस के बारे में बता दीजिए, नाम ट्रांसफर का क्या है वो बता दीजिए। अब आते हैं फाइनेंस में। फाइनेंस हमारे पास 2-3-4 कंपनियां अवेलेबल है। जैसे कार में बात करें तो कार में सबसे पहले तो चोलामंडलम है, उसके बाद महिंद्रा है, श्रीराम है, इंडसइंड बैंक है। इतना हमारे पास फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। सबसे कम डाउन पेमेंट कितना करना होगा सर? 30% डाउन पेमेंट है कार में। 30% कम में नहीं होगी सर? उससे कम में नहीं होगी। 20% कोई चाहेगा तो नहीं नहीं सर, अगर सिविल अगर अच्छा होगा तो फिर हो जाएगा। सिविल अच्छा होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते होंगे, ITR फाइल करते होंगे तो हो जाएगा। ये फाइनेंस का कहाँ, ऑल ओवर झारखंड में? ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप फाइनेंस करा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे, कहीं पे भी। और नाम ट्रांसफर का इंक्लूड है सर कि अलग से देते? नाम ट्रांसफर अलग से पैसा लगता है। वो लगभग क्या चार्ज है सर? नॉमिनल जो हमें नहीं देना है, जो भी वेंडर का जो चार्ज करता है वही देना है आपको। वेंडर को भी पैसा देना है, हमारे को नहीं देना है जी, लेकिन हम करा के देते हैं। RC ट्रांसफर कितने दिन में आप लोग? RC ट्रांसफर जनरली हमारा जो भी होता है पार्टी का गाड़ी होता है, पार्टी में क्या होता है कि हम जनरली 2 महीने का समय लेते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर हम आपको उनको NOC हैंडओवर कर देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू सर डिटेल देने के लिए। फिर नेक्स्ट अपडेट हम लोग बहुत जल्द करेंगे सर।